मॉम्स रसोई में आपका स्वागत है। हम मैंगो कुल्फी बनाने जा रहे हैं। डुएट कुल्फी बनाएंगे, मैंगो डुएट रबड़ी कुल्फी, आपको जो कहना है वो कह लीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले 1 लीटर दूध को उबालने रख देंगे और इसे बहुत धीमी गैस पे रखना है और इसे बहुत देर लगेगी उबलने में। तो आप बिल्कुल, अगर आपको परफेक्ट कलर चाहिए रबड़ी का तो आप इसे बार बार हिलाएं नहीं और इसी तरह से धीमी आंच पे इसे छोड़ दीजिए। और मोटे तलवे का पतीला लीजिए या कढ़ाई लीजिए जिससे आपका दूध जले नहीं नीचे से। ये देखिए हमारी रबड़ी कितनी गाढ़ी हो गई है। अब हम इस स्टेज पे शक्कर डाल देंगे। पहले हमें शक्कर नहीं डालना है क्योंकि फिर ये जो मलाई मलाई बनती है रबड़ी पे की वो सॉफ्ट नहीं बनती है, शक्कर के कारण वो रबड़ी हो जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती, खाने में सख्त होती हो जाती है। तो ये जो इससे ऐसी कंसिस्टेंसी में जब आपकी रबड़ी आ जाए तब शक्कर डालिए और 1 मिनट उसको हमें बस शक्कर गुलते तक पकाना है और फिर हम गैस बंद कर देंगे। और ये देखिए मेरी रबड़ी बनी है, वो बहुत गाढ़ी बनी है और एकदम सॉफ्ट बनी है। अब इसमें 50 से 70 ग्राम आपको जैसा मीठा पसंद हो, इसमें थोड़ी शक्कर देख के ही डालें। मैंने 50 ग्राम से 60 ग्राम तक की डाल दी है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आपको कितना मीठा पसंद है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब हम इसे शक्कर घुलने तक थोड़ा सा पकाएंगे और फिर हम अपना गैस बंद कर देंगे क्योंकि हमें इसे पूरा ठंडा होने देना है और ठंडे होते टाइम और अच्छी गाढ़ी हो जाएगी, ये थोड़ी सी ठंडा होते होते और गाढ़ी हो जाती है। ये देखिए कितनी स्मूथ और कितनी सॉफ्ट हमारी रबड़ी बनी है। अब हम इसे गैस बंद कर देंगे और मैंने हिलाते हिलाते बहुत कम, एक तो हमें पहली बात तो बहुत कम हिलाना है इस दूध को, बिल्कुल सीम गैस पे रख दीजिए, धीमी गैस पे रख दीजिए इसे। और ये जो मलाई बनी है ना, इसको हमने देखिए इस तरह से रगड़ रगड़ के उसके ग्रैन्यूल्स जो हैं वो बिल्कुल पूरे तोड़ दिए हैं, तो ये ऐसी गाढ़ी एक जैसी स्मूथ आपको रबड़ी तैयार मिलेगी। हमारी रबड़ी देखिए अब गाढ़ी हो गई है, मैंने फ्रिज में रखी थी, ठंडी हो गई है, गाढ़ी हो गई है। अब हम पके आम लिए हैं हमने और ऐसे देखिए इस तरह से काटना है सबसे पहले हमें। ये फेंकना नहीं है, हमें रखना है। और ये देख रहे हैं आप, यहाँ से इस तरह से हमें चाकू अंदर डालना है, बिल्कुल धीरे धीरे डालिए इस तरह से अंदर तक, उसको चक्कू को जाने दीजिए, आखिरी तक आपके बीच जहाँ तक है वहां तक। मैंने यह हापुस आंबा लिया है, आप कोई भी आम ले सकते हैं अपने मनपसंद से, जो कोई भी आम अवेलेबल हो आपके पास वो ले सकते हैं। बस हमें इसी तरह से धीरे धीरे इसको पूरी बीच को निकालना है, बिल्कुल ध्यान रखिए इसे कहीं से निकले नहीं चाकू या आपके हाथ को लगे नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे हमें काटना है। इस तरह से आपने पूरा इसको कर लिया है चारों तरफ से। अब हम इसे धीरे धीरे से इस तरह से खींच के निकाल लेंगे। बहुत पेशेंस रखिए इसे करने के लिए, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए ऊपर आ गई है बीज पूरी। अब हम ऐसे छोटे से ग्लास ले लीजिए जिसमें आपका आम ठीक से बैठ जाएगा, उसमें इसे तरह से इसे रखना है और आपको बीज मिका जो गूदा है बचा हुआ वो भी इसी में डाल दीजिए। अब हमें इसमें इस तरह से रबड़ी को भर देना है, थोड़ा सा हिला के अंदर तक भरना है हमें इसको, पूरा स्टफिंग करना है इतना अच्छी तरह से। इसे मैंने पूरा फुल भर लिया है और ये जो हमने रखी है ऊपर से उसे हम बंद कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी फिल कर लेंगे। इस तरह से हमें पूरा इसे भरना है और लास्ट में रख दीजिए, इसका भी हमने ऊपर का रखा हुआ है, उसे हम इस तरह से रख देंगे और इसे हम आप डीप फ्रीजर में रख देंगे
7-8 घंटे रखिए और फिर इसके अंदर की जो आइसक्रीम जमने के बाद आप इसको मैं आगे का बताऊंगी। ये हमने देखिए आम रखा था, अभी हमारा मैंगो कुल्फी तैयार हो गई है। अब हम इसको किस तरह से कट करेंगे देखिए। एक बार थोड़ा सा हम पानी में से धो लेंगे, बहते पानी में नल के नीचे हम इसे निकाल लेंगे, इसका ऊपर का छिलका। अब हम इसे छील लेंगे। शार्प छिलनी लीजिए जिससे आप जल्दी से, ये बहुत ठंडा होता है। आप हाथ में किचन नैपकिन भी ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा, या ग्लव्स पहन सकते हैं बहुत ठंडा लग रहा हो तो। इस तरह से हम काट लेंगे स्लाइस में। ये हमारी मैंगो कुल्फी हो गई है तैयार, रेडी टू ईट।